बाकी सामने आ गए सेंट जेम्स पार्क, रॉयल पार्क्स है, वन ऑफ द रॉयल पार्क्स इन लंदन। बड़े सुंदर सुंदर पार्क्स हैं लंदन में, ये भी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्क्स में आता है। लेट मी शो यू। तो फॉल का सीजन आ गया है यानी कि पतझड़, इसीलिए आप देख सकते हैं कितने सारे सूखे हुए पत्ते नीचे पड़े हुए हैं। और पार्क्स की जो ब्यूटी है वो इस मौसम में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि अलग अलग कलर्स देखने को मिलते हैं, कहीं येलो है, कहीं ग्रीन है, कहीं पर रेड है। हमें सेंट जेम्स के कैफ़े में थोड़ा स्नैक्स खाने का कुछ मन हो रहा है, भूख लग रही है सबको थोड़ी थोड़ी, तो वही लेने आए हैं। और यहाँ की पार्क्स की ये खासियत है, और स्पेशली यहाँ के रॉयल पार्क्स की ये खासियत है कि पार्क्स के सेंटर में पॉन्ड्स होते हैं और ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल से ये डक, स्वान, ये हर तरह के ये एनिमल्स जो हैं यहाँ पे दिख जाते हैं। Who is this sweet guy? देखो हम डक्स देख रहे हैं, हम डक्स देख रहे हैं बैठ के। वाह स्वीरीपा। आह बच्ची भी आ गई। Let's go। चलो। हाँ ये भी सोने सोने पार्क। है ताड़े पंजाब से माता जी इधर निकला। सब है, कंपनी बाग आई है, कंपनी बाग है तो सोना हैगा। सवेरे सवेरे मावे सैर करने जाती है कंपनी बाग। जेम्स पार्क के बीच में ये ब्रिज है, इतना सुंदर, पीछे पानी है और लंदन आई भी दिख रही है, बड़ा ब्यूटीफुल है, पूरा पार्क ही सुंदर है एक्चुअली। और मेनली लंदन आई से जब आपको बकिंगम पैलेस जाना हो तो रास्ता बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाता है, तो आपको ये वॉक इतनी चुभती नहीं है। हाँ बड़ा पिक्चरेस्क व्यू है। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी वॉक। क्लिनिनेस आप देख ही सकते हैं क्योंकि आपको पूरी रिफ्लेक्शन दिखाई देगी यहाँ पर ट्रीज की, और सामने है लंदन आई। कौन सा पैलेस है ये सामने जो आ रहा है? यही तो देखने जा रहे हैं, बकिंगम पैलेस। बकिंगम पैलेस, इसमें क्या है? ये रानी अभी इसी में रहती है, तो इसमें मैंने बोला ना आपको चाय पिलाने के लिए बुलाया रानी ने। अच्छा 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 अच्छा। हाँ रानी एलिजाबेथ टू। तो वैसे टी टाइम निकल गया है, जितनी देर में हम पहुँचेंगे तो डिनर भी हो करके सो बढ़िया बढ़िया। वैसे सुबह के टाइम पे परेड वगैरह भी होती है बट उसके लिए हम लेट हैं। हाँ लेट। Picturesque view on the way to Buckingham Palace. तो ये आ गया है जी गेट बकिंगम पैलेस का। और ये है बकिंगम पैलेस का गेट जिसपे कितना ही सुंदर डिज़ाइन जो है क्राफ्ट किया हुआ है। तो इसका भी एक मीनिंग है, जो लेफ़्ट पे जो लायन है वो इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करता है, और राइट पे जो हॉर्स बना हुआ है, यूनिकॉर्न बना हुआ है, वो स्कॉटलैंड को रिप्रेजेंट करता है। तो कुछ कुछ खास बातें मैं इसकी आपको बता दूँ। ये 1837 से जो यहाँ के मोनार्क हैं, जो क्वीन हैं या जो पहले किंग रहे हैं, तो ये तब से उन्हीं का पैलेस है और वो यहीं से अपने सारे काम संभालते हैं। और ख़ास बात इस जगह की ये है कि सारे इवेंट्स यहीं पे होते हैं, किसी का बर्थडे हो तो यहीं पे हाथ हिलाने वो बाहर आते हैं। और इस पैलेस में 775 रूम्स हैं, जिसमें से 188 तो सिर्फ स्टाफ के बेडरूम्स हैं। तो सोच सकते हैं आपकी कितना बड़ा है ये पैलेस। तो यहाँ काफ़ी बार क्वीन अपनी गार्डन पार्टीज़ भी रखती हैं जो कि लाइव टेलीकास्ट होती हैं और लोग देखते भी हैं उसको। तो क्वीन एलिजाबेथ अभी भी बकिंगम पैलेस में रहती हैं अपनी फैमिली के साथ। समर्स में स्कॉटलैंड भी चली जाती हैं और विंटर्स में यहाँ आ जाती हैं। और जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, वो हर हफ्ते पूरा बही खाता लेके अपनी गवर्नमेंट का क्वीन के पास जाते हैं उनको बताने कि हमने ये कर दिया है, और यहीं पे वो आते हैं। शाम की लाइट इतनी सही लग रही है, जो सनसेट टाइम है। हल्की हल्की धूप पड़ रही है ट्रीज़ के ऊपर और वो शाइन कर रहे हैं येलो लाइट में, गोल्डन आवर। और ये है जी आपका बकिंघम पैलेस। पूरा एरिया जो है ये वॉक करने के लिए बना हुआ है। लोग मतलब फ्रीली यहाँ पे वॉक कर सकते हैं, कोई भी ऐसे गाड़ी वगैरह कोई नहीं आ रही यहाँ पे, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और सुबह जो गार्ड की चेंजिंग होती है वो इसी रास्ते पे होती है। यहाँ पे पूरा भरा होता है, लोग भरे रहते हैं और फिर यहाँ से घोड़ों पे बैठ के गार्ड्स आते हैं, अंदर जाते हैं, चेंज होता है। काफ़ी भव्य बहुत, हाँ, लेकिन बहुत रश होता है उस टाइम पे और मॉर्निंग में आना पड़ेगा जल्दी, वो अपने बस की नहीं है। ये है क्वीन विक्टोरिया मेमोरियल जो कि 1901 में बना था और अनवील हुआ था 1911 में, तो 11 साल तो इसको ही बनने में लग गए। ऊपर जो है वो गोल्ड नहीं है, ब्रॉन्ज का है, और ये सारा वाइट मार्बल से बना हुआ है। तो नाइट लाइट्स ऑन हो गई हैं। आज का दिन बहुत बढ़िया बढ़िया, पूरा मज़ा आया, पूरा जो भी हमने 2-3 जगह देखी, हाँ बहुत मज़ा आया। पापा आपको आया? हाँ बहुत बढ़िया बेटा, जो हमने चीज़ें फिल्मों में देखी थी कि यहाँ ये है, शूटिंग होती थी, सब कुछ है, तो एक ड्रीम जैसा लगता है कि यहाँ आके हम खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं, तो कितना मज़ा आ रहा है वही चीज़ें देख के, तो बहुत अच्छा लगा। मतलब कुल मिला के अच्छा था दिन आपका। तो गाइस हम लोगों को तो बहुत मज़ा आया आज घूम के, और ये भी अच्छा लग रहा है कि घर वालों ने भी पूरा ये एंजॉय किया आज का टूर। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप भी यहाँ पे घूमने आते हैं या अपनी फैमिली को घुमाना चाहते हैं, तो ये जो 3-4 जगहें हैं ये मतलब आसपास ही पड़ती हैं, और पहले आप बोट लेके आ सकते हैं, बोट टूर लेके, उसमें काफ़ी सारी साइट सीइंग हो जाती है। जो मेन है टावर ब्रिज, लंडन आई, शार्ड, जो भी यहाँ के हॉटस्पॉट्स हैं वो सारे आपको बोट से भी दिखते हैं पानी के व्यू के साथ। और उसके बाद उतर के जो 3-4 जगहें हमने घूमी है वो पूरी आइटनरी आप भी वही कवर कर सकते हैं, और ज़्यादा थकान भी नहीं होगी, ज़्यादा एग्जॉस्टन भी नहीं होगी, और सही रहेगा। तो अगर ऐसी आपको जगहें देखनी है लंदन की, हम लोग और भी ऐसी कई जगहें कवर करते रहेंगे, और ऐसी हम खुद ही अपनी कस्टमाइज आइटनरी बनाते हैं, तो हम लोग वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा टायरिंग ना हो किसी के लिए, तो क्योंकि हम लोग सबके साथ आते हैं, फैमिली तो सबके साथ सोचना पड़ता है कि कैसे हम प्लान करें। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे नेक्स्ट ब्लॉग्स में भी, और हमारी सीरीज़ को फॉलो करते रहे तो आपकी भी हेल्प हो जाएगी ऐसे घूमने में और आइटनरी प्लान करने में। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर, बाय एंड सी यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।